This is Mintu Kumar Sao and you are watching my YouTube channel Something About Railways. I think English ज़्यादा हो गया. अगर आपको English ये पसंद नहीं आया हो तो कमेंट करें, मैं हिंदी में ही बोला करूंगा. चलिए अब टॉपिक पे आते हैं. कुछ दिनों से कुछ व्यूअर्स की क्वेरी आ रही है कि मैं उन्हें रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को बेंगलोर में किस तरह का क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ है, किस तरह का क्वार्टर मिला है, क्वार्टर की दशा और दिशा क्या है, तो वो मैं उन्हें दिखाऊं. तो मैं चलूंगा क्वार्टर्स की और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वार्टर्स में किस तरह का फैसिलिटी दी गई है, किस तरह का एरिया है, किस तरह का वहां पे माहौल है. सब मैं दिखाऊंगा. रेलवे कॉलोनी किस तरह का स्पेस है वहां पे दिया गया है, तो सब मैं दिखाऊंगा आपको. इस वीडियो में आपको बने रहना है, आपको क्वार्टर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को किस तरह का क्वार्टर्स मिलता है और ग्रुप सी स्टाफ को भी लगभग सेम मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, इससे पहले कि मैं क्वार्टर्स की ओर चलूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में कि आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि मैं ग्रुप डी का स्टाफ हूं. यहां पे 2018-2018 बैच में, 2018 बैच का 2019 जून में पोस्टिंग हुआ यहां पे मेरा. लगभग 2 साल होने वाला है और मुझे रेलवे क्वार्टर्स अभी तक नहीं मिला. मैं इस रेंट रूम में रहता हूँ, रेंट के रूम में. और मुझे क्वार्टर्स इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस वक्त फुल हो चुका था क्वार्टर सीनियर्स लोग से, और न्यू लोग जो भी आए थे उन्हें क्वार्टर नहीं मिला. क्वार्टर्स उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि बीच में कोरोना टाइम था, कोरोना की तबाही में कंस्ट्रक्शन रुक गया रेलवे क्वार्टर्स का लगभग 1 साल. तो अभी फिर से स्टार्ट हुआ है, लगभग 3 मंथ में रेडी हो जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा. तो इसलिए कुछ दिनों से जो व्यूअर्स क्वेरी लगातार पूछ रहे थे कि क्यों नहीं बना रहे मैं वीडियो, क्यों नहीं बना रहा हूं मैं वीडियो, तो मैं क्वार्टर्स में रहता ही नहीं था इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था. मैंने सीनियर से बात की, उसके बाद मैं गया, आज जाने वाला हूं एक्चुअली, और दिखाऊंगा आपको किस तरह का क्वार्टर्स की फैसिलिटी. तो चलिए चलते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये है रेलवे कॉलोनी का एंट्री गेट, मेन गेट. यहाँ पे चलते हैं अब हम अंदर. यहाँ से इधर से देखिए, आपको थोड़ा जंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से रोड से अंदर गया. बहुत बड़ा एरिया है कॉलोनी का, आपको यहाँ से दिख रहा होगा उस साइड क्वार्टर है. चलेंगे अभी उधर ही. टीआरटी क्वार्टर के पास में है और इंजीनियरिंग का क्वार्टर भी इधर ही है. अरे यार सत्यम भी है. ये सभी क्या है? इंजीनियरिंग का क्वार्टर है ना, इंजीनियरिंग अपार्टमेंट छोटा वाला. एसएम भी इसी में रहते हैं, पुराने एसएम ना. और ये जो आपको सीधा दिख रहा है ये है टीआरटी का रेलवे क्वार्टर. ये लोग यहाँ के रहने वाले रेलवे स्टाफ. अभी हमारे पास गए पापा आ रहे हैं यहाँ से, क्या पता नहीं कैसे इसको मालूम. ये देखिए खूबसूरत बच्ची. ये मुद्दू अन्ना देख सकते हैं. ये देखिए दोस्तों, अभी हम चलेंगे टीआरटी बिल्डिंग में बस इंटर ही करने वाले हैं. और ये खूबसूरत सी बच्ची ये है 3 मंजिला इमारत है, ये रेस्टोरेंट बिल्डिंग. ये पूरा टीआरटी का ही स्टाफ के लिए पूरा बिल्डिंग. ये हम चलते हैं, एक सीनियर से बात की है, उनको उनका ही क्वार्टर आपको दिखाएंगे. और ऊपर जाने के लिए चलिए अब देखते हैं क्वार्टर के अंदर में कैसा माहौल है और सुविधा. ये एंट्री एक हॉल टाइप का है, थोड़ा बड़ा अच्छा खासा स्पेस है. सामने टीवी लगा के लगा हुआ है, ये आप वीडियो से देख सकते हैं कितना स्पेस दिया हुआ है. ये है किचन. गेट खोल देता कि लाइट जला दे. और ये है भैया जिनका रूम है, जिनका क्वार्टर अलॉटमेंट.
ये देखिए किचन। चाय बनाते हैं, चाय पियो, नमकीन नहीं है, खत्म कर दो। अरे भैया बना दीजिए, वैसे भी मौसम मस्त हो रहा है। ये था किचन, अभी भैया से भी पूछेंगे कैसा लगता है उनको यहाँ रहने का और क्या क्या सुविधा है, थोड़ा वो भी बताएंगे। ये है बेडरूम, हमको आपसे थोड़ा तू अपन चेहरा देख रही है दिखा देंगे। ये इधर से बालकनी भी है बेडरूम के बाहर, देखिए ये है बेडरूम के बाहर का बालकनी, थोड़ा अच्छा खासा स्पेस है बाहर में भी, और आप यहाँ से आराम से बाहर में घूम सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वार्टर दिख रहा है, ये है इंजीनियरिंग का क्वार्टर जितना भी आपको अभी दिख रहा है। इंजीनियरिंग मीन्स ट्रैकमैन, गैंगमैन, या फिर इसमें स्टेशन मास्टर भी रहते हैं, उनको भी अलॉटमेंट हुआ है, जो भी पुराने स्टेशन मास्टर से यहाँ पे सब मिलकर रहते हैं। और यहाँ से देख लीजिए नज़ारा आप, यहाँ से थोड़ी ही दूर में यहाँ पे हाईवे है, और ये नीचे कुछ गार्डन वार्डन बना रहे हैं यहाँ के रहने वाले टीआरडी स्टाफ। चलिए आपको और अभी रूम के अंदर ले चलते हैं फिर से। और ये देखिए आप बेडरूम, काफ़ी अच्छा स्पेस है और पूरा टाइल्स लगा हुआ है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप हमको देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट रूम, और एक रूम है, ये तो बस झलक है। एक हॉल, एक रूम, और ये एक और रूम, एक किचन अलग से। यहाँ पे भी काफी इनको भी आप चाहे तो बेडरूम बना सकते हैं या कुछ भी आप के हिसाब से, ड्राइंग रूम, कोई भी रूम। ये यहाँ पे पूजा रूम बना दिए हैं, काफ़ी बड़ा है। ये ऊपर देख लीजिए फिलिंग फैन, और अगर आप दूर से देखेंगे तो इतना बड़ा रूम दिखेगा आपको। यहाँ पे भी दो बड़े बड़े खिड़की, लाइट्स वाइट सब है। आप बाहर का नज़ारा यहाँ से भी देख सकते हैं अगर देखें यहाँ पे खोल के तो। ये यहाँ पे अलग ही माहौल है, मोहल्ला है एक बाहर में, तो किसी भी तरह से अकेला पन नहीं लगेगा, हमेशा कोई ना कोई आमने सामने रहेगा। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया दूसरा बेडरूम, अब आ जाते हैं बाथरूम देखते हैं। दो बाथरूम दिया गया है, ये देखिए इंडियन बाथरूम। यहाँ पे बाहर में भी बेसिन लगा हुआ है, कोरोना का टाइम है, डेटोल का भी बहुत यूज करना है, और यहाँ यूज हो भी रहा है। और एक और सामने में बगल में वो था, और एक ये वॉशरूम, ये भी काफी बड़ा है स्पेस रहने के लिए। यह है किचन, किचन 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 के इधर भी बहुत सारा स्पेस दिया है, और यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं आप। बालकनी है यहाँ पे भी, दो बाल दूसरा बालकनी है। सामने का माहौल और मोहल्ला देख सकते हैं, इधर रोड है सामने में। चलिए अब भैया से पूछते हैं, तो भैया कितने साल से रह रहे हैं आप? 4 साल। 4 साल हो गया आपको, और कैसा लग रहा है क्वार्टर? क्वार्टर अच्छा है। आप स्टार्टिंग से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ। जब से आए? तब से क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया आपको ना? तो जब से आए भैया तब से यहाँ पे क्वार्टर अलॉटमेंट है इनको, 2 BHK क्वार्टर सभी को दिया है। 2 BHK क्वार्टर, असिस्टेंट जो भी हो सभी को, टेक्नीशियन हो या असिस्टेंट हो, सभी को Type 2 का क्वार्टर मिला है। 2 BHK का क्वार्टर TRD में, बैंगलोर का यही पे है, बैंगलोर का TRD क्वार्टर आप देख लिए हैं कितना अच्छा है। और तो कोई दिक्कत तो नहीं रहता होगा स्पेस का कभी भी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फैमिली आराम से रह सकता है, इतना स्पेस दिया है।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो नया क्वार्टर बन रहा है वो कब तक तैयार होने का उम्मीद है? देखिए आया दोस्तों, आपको दिखाते हैं। पूरा 21 लग जाएगा ना। ये है क्वार्टर इंजीनियरिंग का, इसके बगल में क्वार्टर बन रहा है, ये देख रहे हैं। ये क्वार्टर बन रहा है, ये भी टीआरडी क्वार्टर बन रहा है। अभी टीआरडी जो न्यू टीआरडी स्टाफ आए हैं वो 2018 बैच का, उनको क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं हो सका क्योंकि क्वार्टर कम था इधर। तो अभी इधर का क्वार्टर बन रहा है, फेंसिंग वेंसिंग और भी हो रहा है, और भी दूर दूर थोड़ा सा उधर इधर पेड़ आ गया इसलिए दिख नहीं रहा, और भी बहुत सारे क्वार्टर बन रहे हैं टीआरडी स्टाफ के लिए। तो अभी जो क्वार्टर रेडी होगा तो असिस्टेंट को भी जितना भी न्यू आए हैं उन सबको मिल जाएगा 2 BHK क्वार्टर टाइप 2। तो ये दोस्तों मैंने दिखा दिया, एक बार ओवरलुक कर लेते हैं फिर से। देखिए ये है मेन डोर, मेन डोर से घुसेंगे तो डायरेक्ट आएगा हॉल बड़ा सा। सिक्स आउट, और हॉल के साथ ही अटैच है किचन, और किचन से उधर एक बालकनी, और आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे एक बेडरूम बड़ा सा, बेडरूम के बगल में भी बालकनी, और यहाँ पे दो, एक वॉशरूम और एक बाथरूम। बेसिन बाहर में मिल जाएगा, पूरा टाइल्स से सजा हुआ है क्वार्टर। और ये एक बेडरूम, यहाँ बालकनी नहीं बट बहुत 2 बिग विंडो दिया गया है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वार्टर बेंगलोर में कैसा आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ये बन रहा है अभी चाय, तो अभी हम चाय पीकर यहाँ से जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो चाय नहीं, अगर क्वार्टर पसंद आया हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ओके बाय।